हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो ये राखी स्पेशल व्लॉग है और मैं सुबह उस दिन कितने बजे उठी थी ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। मैं उठ गई थी 3 बजे, लेकिन जब मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था तब मैंने ये आप टाइम दिखाया है आप सबको कि मैं 3 बजे उठ गई थी। और उसके बाद मैंने अपने घर का काम किया, सारा साफ़ सफ़ाई, तैयार हुई। पूजा करने के बाद बेटी ने कान्हा जी को, मतलब नहा धो के कान्हा जी को राखी बांधी। 5 बजे हमने कान्हा जी को राखी बांध दी थी, क्योंकि बोला ये भी जा रहा था कि 7 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। तो हमने सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधी, फिर हमने कान्हा जी को बांधी बेटी ने, और फिर हम 5:30 बजे हम घर से निकल लिए थे तैयार होके। तो हम चलते हैं तो हिंडन के पास मामा का बेटा रहता है छोटे वाला, तो मैं सबसे पहले उसके पास गई थी क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी जाना था 7 बजे। तो मैं पहले वहाँ पे पहुँची और ये आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल, मतलब अभी अंधेरा है और लाइट जली हुई है और चंदा मामा भी हमें बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहे हैं सामने आपको। और बड़ा अच्छा लगा सुबह, हल्की हल्की सी, मतलब ऐसी ठंड सी होती है ना, जैसे ओस वगैरह पड़ती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मैंने देखा कि सुबह काफ़ी गाड़ियाँ जा रही थी, तो हम पहुँचे भाई के घर और उसका जो छोटे वाला बेटा है वो भी उठा हुआ था सुबह। 5:30 बजे हम पहुंच गए थे ठीक, और ये ऐसे, मतलब नाराज़ होके ऐसे लेटा हुआ था क्योंकि इसके मामा भी आए हुए थे एक दिन पहले, तो वो भी सुबह ही राखी बंधवा के वापस गए हैं क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना था। और यहाँ ये मामा का बेटा है छोटा, और आप लाडला कह लो, कैसे भी कह लो, ये मतलब नेचर बड़ा अच्छा है और बहुत। तो मैंने इसको सबसे पहले राखी बांधी। राखी क्या, मैं सबसे पहले ना कलावा बांधती हूँ, एक रक्षा सूत्र हो जाता है। तो मेरी कई सालों से, मैं, मुझे किसी ने बताया था, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं पहले कलावा बांधती हूँ और उसके बाद मैं राखी बांधती हूँ। आप लोग कैसे करते हो मुझे ज़रूर बताना। इधर तो देखो, और फिर मैंने दोनों भतीजों को राखी बांध दिया। और यहाँ जो छोटे वाला थोड़ा नाराज़ हो रहा था क्योंकि उसे, वो अपनी पसंद की राखी लेके आया था और तो उसे वही बंधवानी थी। मैंने कहा वो निधि बांधेगी, मैं ये कलावा बांध देती हूँ, तो वो कहने लगा, वो मतलब नाराज हो गया था। तो फिर बाद में राखी ये लेके आए थे अपनी पसंद से टैडी वाली दोनों भाई, तो वही बंधवाई थी। और ये थोड़ा नाराज़ हो गया कि पहले मुझे बांधते, तो इस वजह से, आपको पता है कि भाई बहनों में नोक झोंक चलती रहती है, तो ये छोटा है तो थोड़ा नटखट सा है। और फिर हम चल दिए, हम मुश्किल से 15 मिनट रुके होंगे क्योंकि हमें आगे जाना है घर पे, क्योंकि टाइम लग जाएगा। और बस अब हम चलेंगे घर की तरफ। और हम आ गए हैं लोनी। अभी तो सड़कें खाली पड़ी हैं, ज़्यादा जाम नहीं है। ये है हमारा लोनी क्षेत्र। मैं पहुँचने वाली हूँ अपने घर, मम्मी पापा के पास। और जितनी मैं खुश थी इतनी मैं मतलब परेशान हो गई, क्योंकि जब हम घर जाते हैं और कोई नहीं मिलता, मतलब पापा थे, बड़ी बहन रात ही आ गई थी, और भांजा, मम्मी भी मामा के गई हुई थी, तो हम 7:45 बजे पहुंच गए थे। तो भाभी भैया भी, मतलब अपने ससुराल गया हुआ था भाई,
भाभी राखी बांधने अपने घर। तो हमने यहाँ दोनों बहनों ने कान्हा जी को राखी बांध दी थी 7 बजे, और फिर बेटी ने भी राखी बांध दी भांजे को। सोना के भी के सोने फोटो खींचे हैं बतेरे, तो दो ही चावल लगे अब के, मतलब एक उतर गया, दो का मतलब क्या हुआ? दो ब्याह होंगे? नहीं, दो ब्याह नहीं होंगे, दो बालक होंगे। तू सा होटल आते मम्मी कह दी थी पिछली बारी, मम्मी तो तू कहती भाई तेरा तो 6-7 चावल लगे और तेरा तो 6-7 बालक होंगे, तब कह जाता तार कह मैं नहीं तो ज्यादा ही लग गए। हाँ झुट्टी दिखा रही है, रसगुल्ला खुआ दे उसे। और भाभी भी आ गई थी अपने घर से 9 बजे, और फिर हमने सब ने राखी बांधी। तो मैंने राखी चीज ध्यान नहीं दिया, बस उसने सोचा कि किसी ने मिठाई खाई। तो लाइट वाली राखी है पता नहीं, हम फोन भी करके देखा है, वहाँ का नंबर है तो वो पैसे नहीं है। और मैंने अपने पापा को भी राखी बांध दी है, क्योंकि पापा के बहन नहीं है इसलिए मैं राखी बांधती हूँ अपने पापा को। ये रहा बाहरी मिठाई वो रख दो इसमें, बाहर आएगा ब्यूटी पर ये मिठाई का सामान, सारी खा लो आप, सारी खा लो। फोन भी तो तुमने किसका लिया जो एक दिल्ली के फोटो ले रहा है? ओ बहुत बढ़िया होंगे उसमें, उनकी बड़ी लड़ाई कोई बात नहीं। आईफोन से ये जो कह रहे हैं चैनल पे भी इस्तेमाल कर, क्यों कुछ नहीं आने को, फोन का और सत्यानाश कर दिया 20,000 का दो ये जो तू इतने सलाह दी थी इसे, रोज ले रहे हैं फोन के ऊपर, फोन से फोन ही नहीं होते और काम तो क्या होंगे। से कहते हैं फोन से फोन ही नहीं होता बस। नहीं बाबा का इधर ही है, हां उधर क्या मैं लाऊं बेटा तेरे मौसी के, इधर बाबा का फोन है फोटोग्राफर की गलती बताइए, थोड़ा सा दूर को हो जाए सच्चो, आप इधर आ जाओ बेटा, यूट्यूबर का फोटो आ जाने, दोनों यूट्यूबर के इसका यूट्यूब था। हाँ। वहां खड़ी होगी बीच में, अरे वो गई, वो गई बाहर ही गई, पक्के यूट्यूबर, अरे अब समर आ गया, तो घड़ी भी बुआ खराब ही थी तेरी, खराब लाई घड़ी में लोंडी का तो बस। नहीं बेटा अभी हुई होगी ना, देख के दोनों की एक से लाई थी मैं तो, खराब थोड़ी है सही चल तो रही है, बंद नहीं फोटो तो हमकी खींची है, पापा ने हरिद्वार से लाए थे, मम्मी लाई मैंने लाया और यहाँ मुझे भतीजे ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे दिए 20 रुपए, और खजाने से कम नहीं है। 20 रुपए और मैंने अपने भाइयों को गिफ्ट में टी शर्ट दी है, पहले तो भाई कह रहे ये तो बहुत बड़ी है,
लेकिन बाद में जब पहन के देखी तो ठीक साइज आया। लेके आती फोन अपना कहीं ना, मम्मी पे तो फोन पे बात नहीं कर रही। सही तो आ गई, तुम तो बात नहीं करवाती। अरे चा नुगा ढिल्ली, मम्मी बुला रही है ना। लंबी ना है, ना लंबी ना है, ठीक है इतनी तो। ऐसे लगे जीजा की हो कभी। कौन सही आई फोन पे? कौन सी चौकी यू? कौन सी यू खाने का तो यू की आई है अभी अपने भाइयों के राखी बांध के गांव से। बस ने ज्यादा दूर रोक दिया लोनी से बाहर। वही मुक्ता तो चली गई, समझो कहीं में बाट देख के वह तो अभी। और मम्मी हो गई थी लेट और दीदी चली गई थी और मैं और भाभी फिर आए मंदिर, क्योंकि मैं सुबह मंदिर आ गई थी भाभी से पहले। फिर भाभी ने कहा मेरे साथ मंदिर चल, तो मैं और भाभी फिर दोबारा से आए भोलेनाथ की पूजा करने। और अब हमारे भी चलने की तैयारी है, क्योंकि हमें भी राखी बंधवानी है इनको अपनी बहन से, और बेटी को भी अपने भाइयों को राखी बांधनी है, तो हम चलते हैं। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा और आप सबने राखी कैसे मनाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दही मारी मिठाई ओहो, हम तो पहले तो इतना रहता धूल इतनी भी तो जमे वो बैग देखो कैसे कर रहा है पूरी तेज। दीदी लेके आई थी हमारे लिए, ये डायमंड की अंगूठी है। तो मैं फिर वो वही मोड़ दिया, मैंने कहा उसे बाहर क्या निकाल लूं, मिला दे न शाम मिला दे। शाम वो दो शाम घर में वो मिलेंगे। हाँ काय दो शाम घर पे है नहीं, छोटे गाना जी बैठे हैं तो बाबा दादी ना इसकी लड़की है। अच्छा लगा रखा है डिजाइन, सही है। भाभी भी सुंदर है हमारी। नहीं ये गली बनेगी, कितना बुरा हाल हो रहा है। बोल चक्कर से चलो। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, www.facebook.com/dbs। और घर आते हुए बीच में हमने गाड़ी रोकी क्योंकि हमें मिठाइयाँ खरीदनी थी। और हम घर आ गए हैं और दीदी भी आ गई है राखी बांधने के लिए। ने बहुत चले डेरी इस पे तो पेंट करवा ले हरे रंग का भाई। बैठो मैं बोलियो नगर हम नहीं करते।
और दीदी नीचे भी गई राखी बांधने छोटे भाई को, और हम पहुँचे रात को वहाँ पे, तो रात का खाना हमने वहीं पे खाया सब ने, और बड़ी बातें करी और बहुत अच्छा लगा, सब ने हंस बोल के बहुत मतलब इंजॉय किया सभी ने। चाय तो बन जाती है, इससे थोड़े कुछ करना है। तो हां वो मैं थकान पूरे दिन के त्यौहार, पूरे दिन से मैंने कुछ करा ही नहीं है। चलो अच्छा भाई ना। तो रात के बज गए थे 11 और दीदी को भी घर जाना था, तो हम सब नीचे छोड़ने आए दीदी को, और मतलब चलते चलते भी बहुत सारी बातें हो ही जाती हैं। और अगर आप सबको व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।